मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। राजनीति में भी किस्मत का अपना महत्व होता है। जिस नेता की किस्मत साथ देती है उस नेता को मंत्री बना दिया जाता है, लेकिन जिस नेता की किस्मत साथ नहीं देती वह मंत्री बनने का ख्वाब तो देखता रहता है लेकिन मंत्री नहीं बन पाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि मंत्री बनने का ख्वाब देखते देखते नेता के राजनीतिक करियर का अवसान हो जाता है, या यूं कहें कि उसका करियर खत्म हो जाता है लेकिन मंत्री नहीं बन पाता। यदि सतना के कुछ नेताओं के राजनीतिक करियर पर नजर डाली जाए तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सतना विधानसभा सीट से 1952 से लेकर 2023 तक कई विधायक चुने गए, जिसमें से कुछ विधायक दो बार चुने गए, कुछ एक बार चुने गए, जिसमें शंकर लाल तिवारी 3 बार विधायक चुने गए। और जब भी मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार होता तो इस बात की चर्चा बड़ी तेजी के साथ होती कि शंकर लाल तिवारी मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन शंकर लाल तिवारी 3 बार विधायक रहने के बाद भी मंत्री नहीं बन पाए। और बृजेंद्रनाथ पाठक जब 1990 में पहली बार विधायक बने तो उन्हें खनिज एवं ऊर्जा राज्य मंत्री बना दिया गया। वहीं जब सईद अहमद 1998 में विधायक बने तो दिग्विजय सिंह की सरकार में उन्हें वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया। ये दोनों लोग पहली बार विधायक बने थे। अगर देखा जाए तो 1952 और 1957 में कांग्रेस से शिवानंद विधायक बने लेकिन उन्हें भी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 1962 में जनसंघ से दादा सुखेंद्र सिंह सतना के विधायक रहे लेकिन वे भी मंत्री नहीं बन पाए। 67 और 1972 में सतना विधानसभा से एक महिला विधायक रही जिनका नाम था कांताबेन पारेख। कांताबेन पारेख भी 2 बार विधायक रहीं लेकिन उन्हें भी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। 1977 में पूरे प्रदेश के अंदर जनता पार्टी की लहर थी लेकिन सतना में उस लहर का कोई असर नहीं हुआ। 1977 में भी सतना विधानसभा से कांग्रेस के अरुण सिंह चुनाव जीते। 1980 और 1985 के चुनाव में कांग्रेस से डॉक्टर लालता प्रसाद खरे विधायक रहे। लालता प्रसाद खरे को मोतीलाल बोरा के मंत्रिमंडल में योजना राज्य मंत्री बनाया गया था। लालता खरे 2 बार के विधायक थे, जब दूसरी बार विधायक बने तो उन्हें मंत्री पद मिला लेकिन मोतीलाल बोरा के मंत्रिमंडल में वो मंत्री रहे। अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 1990 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बने। सुंदरलाल पटवा रामहित गुप्ता को पसंद नहीं करते थे, या यूं कहें कि सुंदरलाल पटवा की रामहित गुप्ता से नहीं पटती थी। रामहित गुप्ता वित्त मंत्री थे लेकिन रामहित गुप्ता के राजनैतिक प्रभाव को कम करने के लिए सुंदरलाल पटवा ने बृजेंद्रनाथ पाठक, जो पहली बार ही विधायक बने थे, उन्हें खनिज एवं ऊर्जा राज्य मंत्री बना दिया। इसे ही कहते हैं किस्मत। बृजेंद्रनाथ पाठक पहली बार विधायक बने थे और उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल गया। ठीक इसी तरीके से 1998 में जब सईद अहमद विधायक बने तो ऐसा ही हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की सरकार में मुस्लिम मंत्री कोई नहीं था। मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देने के हिसाब से सईद अहमद की किस्मत जाग गई और सईद अहमद को वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया। इसे कहते हैं किस्मत। सईद अहमद पहली बार ही विधायक बने थे और मंत्री बन गए। यह अलग बात है कि सईद अहमद की किस्मत उसके बाद से उनका साथ नहीं दे रही है। पहली बार मंत्री बनने के बाद सईद अहमद को फिर दोबारा विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। शंकर लाल तिवारी सतना विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। 1952 से 2023 तक के सफर को यदि देखा जाए तो सतना विधानसभा से सर्वाधिक 3 बार विधायक शंकर लाल तिवारी रहे लेकिन उन्हें मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। शंकर लाल तिवारी के साथ कुछ राजनीतिक हालात इसी तरीके से बने। उनके नाम की चर्चा मंत्री के रूप में होती थी कि मंत्रिमंडल में इस बार उन्हें मौका मिलेगा लेकिन शंकर लाल तिवारी मंत्री नहीं बन पाए। सिद्धार्थ कुशवाहा भी लगातार सतना से 2 बार विधायक चुने जा रहे हैं। जब पहली बार विधायक चुने गए तो प्रदेश के अंदर कमलनाथ की सरकार बनी। सतना जिले से सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा चित्रकूट से नीलांशु चतुर्वेदी भी विधायक चुने गए। उम्मीद की जा रही थी कि इन 2 विधायकों में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है लेकिन कमलनाथ ने सतना जिले के किसी भी विधायक को मंत्री बनाना उचित नहीं समझा। अब देखिए, कोई पहली बार विधायक बन के मंत्री बन जाता है और कोई 3 बार विधायक चुने जाने के बाद भी मंत्री नहीं बनाया जाता। कायदे से सिद्धार्थ कुशवाहा के पास भी मौका था। यदि कमलनाथ चाहते तो सिद्धार्थ कुशवाहा को मंत्री बना सकते थे। यदि सिद्धार्थ कुशवाहा मंत्री बनते तो उनके भी रिकॉर्ड में यह बात जुड़ जाती कि पहली बार ही विधायक बनने के बाद उन्हें मंत्री बना दिया गया लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राजनीति में भी किस्मत का बड़ा महत्व होता है। यदि किस्मत ने साथ दिया तो साधारण से साधारण नेता मंत्री बन जाता है और कई बार जब किस्मत साथ नहीं देती तो प्रभावी नेता भी मंत्री बनने से चूक जाता है।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।